Welcome back to the another video session of our starters that is regarding the hidden tools in Windows। लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको कुछ हिडन टूल्स बताए थे विंडोज़ में, तो इस वीडियो सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है यूज़र अकाउंट्स कंट्रोल। लाइक कि अगर हमें यूज़र से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन में डील करना है तो वो हम कहाँ से करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू क्लिक विंडोज़ आर, यानी कि आप रन में जाएंगे और वहाँ पे आपको लिखना है netplwiz और एंटर करना है। तो इससे अब आप देख सकते हो कि यूज़र अकाउंट्स खुल गया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम यूज़र्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अगर हमें कोई लेनी है वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडवांस में जाके आपके पास ऑप्शन आती है पासवर्ड्स को मैनेज करने के लिए, यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एंड सिक्योर लॉग ऑन के लिए जो है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो बहुत ही एक अच्छा टूल है यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। सेकेंड जो हमारे पास टूल है वो है डिस्क क्लीनअप। लाइक कि अगर हमें अपनी डिस्क को चेक करना है, लाइक कुछ अनइम्पॉर्टेंट फाइल्स आप डिलीट करना चाहते हो तो हमारी ये सिस्टम हमें ये प्रोविज़न देती है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी टूल कि हम अपनी जो अनयूज्ड फाइल्स हैं, जो टेम्प्रेरी फाइल्स, हमको क्लीन कर सकें विदाउट हैम्परिंग एनी एक्टिविटी ऑन द सिस्टम। तो करना क्या है, आपको स्टार्ट में जाकर लिखना है डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप के लिए देखिए अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। आप कौन सी ड्राइव को क्लीन करना चाहते हो। मेरे पास 3 ड्राइव्स हैं, सी, डी एंड ई। सपोज़ मुझे डी ड्राइव को क्लीन अप करना है तो मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया एंड ओके किया। तो इसके बाद जो है ये हमारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगी कि डी ड्राइव के रिगार्डिंग हम क्या कौन सी फाइल्स जो हैं डिलीट कर सकते हैं। लाइक यू कैन क्लीन डिस्क क्लीन अप और टू फ्री अप टू 232 MB ऑफ डिस्क स्पेस। अगर मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर मेरे पास 232 MB तक का डिस्क स्पेस फ्री हो सकता है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो रिसाइकल बिन नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है वो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम वो यूजेबल नहीं है, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसको चेक करेंगे यहाँ पे इस बॉक्स में, चेक करने के बाद आप ओके पर क्लिक करोगे। तो इस तरह से जो हमें क्लीन स्पेस मिल जाएगी वो हो जाएगी 232 MB। तो डिस्क क्लीनअप में आप इस तरह से काम कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन या लाइक जो है बूट लोडर को कस्टमाइज़ करने के लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको लिखना है स्टार्ट में जाके MSConfig। तो इस तरह से स्टार्ट में अगर आप MSConfig लिखते हो तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टअप सिलेक्शन में नॉर्मल है, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप आपको करना है या फिर आप बूट डिवाइसेस में जा सकते हो, सेफ़ बूट करना है, बूट नो GUI बूट, इस तरह से हम बूटिंग के ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज में जाके आप कौन कौन सी सर्विसेज आपके सिस्टम पर वर्कआउट कर रही हैं वो चेक कर सकते हो। स्टार्टअप में जाके स्टार्टअप की टाइम के जो सर्विसेज चलती हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो बूट लोडर के रिगार्डिंग जो बेसिकली काम है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड लास्ट जो हमारे पास टूल है वो है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए तो हमें यहाँ पे स्टार्ट में जाके लिखना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन होगी। लाइक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम पर वर्क कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैन्युफैक्चरर कौन है, सिस्टम का नेम क्या है और सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोसेसर कौन सा चल रहा है, बायोस का वर्जन कौन सा चल रहा है और लाइक यूज़र नेम क्या है। तो सारी जो मेमोरीज, यूज़र्स, सिस्टम के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। So that's it about the hidden tools in the Windows. I hope you like the video and let us know how you find the video session. If you have any inquiry तो हमें ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में. Thank you so much for watching the video.